शनिवार की शाम एक कटिंग चाय के साथ मैं पराग भायाणी, 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस, विकलांग दिवस, डिफरेंटली एबल डे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज डे, क्या अलग अलग नाम देने से हमारी सोच सचमुच बदल गई है? इसी पर आधारित एक कविता लेकर आया हूं और आशा है ये एक नई सोच निर्माण करेगी। आइए शुरू करते हैं। कोई तन से कोई मन से आधा अधूरा होता है, तन दिखता है मन छुपता है, इंसान है इंसान ही जीता मरता रहता है। समानता और समावेश का दिखावा लोगों को लोगों से अलग करता है, जोड़ने जुड़ने का ढकोसला ही अक्सर बंटवारा कर जाता है। आरक्षण वाली उन कुर्सी पर हट्टे कट्टों को भी अदब से बैठे देखा है, अलग रखी वो पार्किंग वाली जगह पर तंदुरुस्त को भी हक मारते देखा है। कभी लड़ते झगड़ते गुस्से में लंगड़ा लूला कह जाता है, तभी वो इंसान बतियाते बतियाते अपने मन का अधूरापन दिखला जाता है। कोई तन से कोई मन से आधा अधूरा होता है, तन दिखता है मन छुपता है, इंसान है इंसान ही जीता मरता रहता है। विकलांग का प्रमाण पत्र बनाते वक्त लंबी लंबी कतार में घंटों खड़े रखा है, स्वस्थ लोगों को इन्हें इधर से उधर दर दर की ठोकरें दिखलाते देखा है। दिव्यांग कह लो डिफरेंटली एबल्ड या बराबरी का एक सर्टिफिकेट दे दो, पर उस सोच का क्या जो हर बार दम तोड़ देती है, देखते ही तिरस्कार जगा देती है। न जाने कौन सा डर है, दूर से ही वो कड़वी सोच और मन ही मन दूरी बना लेती है। उस मानसिकता को क्या कहोगे जो चंद सिक्के जमा कर लेने के बाद गरीबों को नफरत का हकदार समझे है, किताबों से कुछ अंक जोड़ लेने के बाद कम अंक वालों को नालायक समझे है, खुद के लिए मजबूत छत सजाने के बाद बिना छत वाले को धरती का बोझ समझे है, अपनी थाली में 56 भोग महकाने के बाद रूखी सूखी खाने वाले को भूखा नंगा समझे है। कोई तन से कोई मन से आधा अधूरा होता है, तन दिखता है मन छुपता है इंसान ही जीता मरता रहता है। माना कि एक दिवस का विकलांग दिवस तन के अधूरेपन को सम्मान दे सकता है, इसके साथ ही बाकी के 364 दिवस मन के अधूरेपन से इन्हीं दिव्यांग को अपमान करने की रजामंदी दे देता है। सुधा चंद्रन की नृत्य और अदाकारी, अरुणिमा की दिलेरी, रविंद्र जैन की संगीतकारी, गिरीश शर्मा की खेल दिली, शेखर नाइक की बल्लेबाजी, सत्येंद्र सिंह की डॉक्टरी, डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी की दरिया दिली, स्वप्ना अगस्तीन की कलाकारी, जनाब ये मन मनाने की बात है कि वो है बेचारा, वो है बेचारी। सही मायने में अगर देखा जाए तो इनकी ना कोई होड़ है ना है कोई बराबरी। कोई तन से कोई मन से आधा अधूरा होता है, तन दिखता है मन छुपता है इंसान ही जीता मरता रहता है। जब बनाने वाले ने केवल इंसान बनाया है, अलग अलग इंद्रियों से सक्षम किया है, तो हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? कभी विकलांग, कभी दिव्यांग, कभी असमान, कभी समान क्यों बताते जताते रहते हैं? इसी बात को लेकर बार बार क्यों लड़ते झगड़ते जीवन व्यर्थ खर्च कर रहे हैं? कुछ बदलना ही है तो मानसिकता बदलने की कोशिश करके देख ले, कुछ ठीक करना ही है तो विकलांगों की और अपनी कमजोर सोच ठीक करके देख ले, कुछ सही करना ही है तो बहु बेटियों की और अपनी नजर सही करके देख ले, कुछ मान सम्मान देना ही है तो इंसान को एक दिवस के लिए इंसान मान करके देख ले। कोई तन से कोई मन से आधा अधूरा होता है, तन दिखता है मन छुपता है इंसान ही जीता मरता रहता है। सुनने और सराहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को एक नई कविता के साथ। तब तक आप और आपके प्रियजन मस्त और तंदुरुस्त रहे, यही प्रार्थना भगवान से है। धन्यवाद।